नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 8th ऑफ दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 9th ऑफ दिसंबर से लेकर आज तक यानी कि 18th ऑफ दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। और हमारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हो, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना चाहते हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस लेक्चर से रिलेटेड जो आपको पीडीएफ चाहिए या अदर जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के बाद 24 घंटे के बाद इसी लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिएगा, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उस आधार पे है और बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वर्ष 2020 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने एनालिसिस किया है और जितने भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसका परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक बढ़ जाती है वो क्वेश्चन भी हम 2 से 3 करते चलेंगे आपसे। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला क्वेश्चन है, खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए मक्का खरीदी प्रदेश में कब से कब तक की जाएगी। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा और दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिएगा और रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, साथ में रिविजन करते चलिए। समय बहुत कम है, बेहतर तरीके से तैयार कीजिए, रिविजन पे फोकस ज्यादा रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल पर समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2020 में जितने भी स्कीम्स लॉन्च किए गए सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां से प्रश्न आपसे बनेगा ही बनेगा, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे आपका शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना हो। तो जितने भी स्कीम्स शुरू किए गए हैं ना सारे स्कीम्स को बहुत अच्छे से करिएगा। हालांकि मैं कराऊंगा सारे स्कीम्स को और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, कुछ भी मिस करके मत जाइएगा, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में वर्तमान समय में औद्योगिक नीति लागू है यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो वहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो यहां से आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा इस क्वेश्चन का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए जो भी पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बेहतर तरीके से पढ़ के जाना, रिविजन बहुत अच्छे से करके जाना। रिविजन बहुत मस्ट होता है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन को सही ढंग से अटेम्प्ट नहीं करोगे, हॉल में जाओगे कंफ्यूज होगे और गलत टिक करके आओगे। इसलिए बेहतर तरीके से पढ़ के जाना और सटीक रिवीजन करके जाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ के तहत प्रथम चरण में भगवान राम से जुड़ी कितने स्थानों को विकसित किया जा रहा है। पता है आपको राम गमन पथ की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में और कुछ स्थानों को विकसित किए जाने का फैसला लिया गया प्रथम चरण में, वो कितने स्थान है आप यहां पर आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने एनालिसिस की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है शहरी गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के बारे में है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए यहां पर समझिए कि हाल ही में कौन से फाउंडेशन के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, यह मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाउंडेशन का नाम आप लोग याद रखिएगा, तो यह रिलीज किया जाता है आपका प्रजा फाउंडेशन के द्वारा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये प्रजा फाउंडेशन है क्या जिसके द्वारा ये रैंकिंग रिलीज किया जाता है। तो प्रजा फाउंडेशन एक नॉन पार्टीशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं, जो भी पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, सरकार की तरफ से जो भी फैसले लिए जाते हैं उस फैसले को कितना अकाउंटेबल बनाया जा सके या फिर जमीनी स्तर पर किस तरह से काम हो रहा है, इन सब का एनालिसिस करता है आपका प्रज्ञा फाउंडेशन। और इसी के द्वारा हाल ही में रैंकिंग रिलीज किया गया है और इस रैंकिंग का नाम है शहरी गवर्नेंस इंडेक्स
2020। और इस इंडेक्स के अनुसार आपका छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश भर में तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान की अगर हम बात करें तो उड़ीसा आ जाता है, और दूसरे स्थान की बात अगर हम करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाता है। ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला और मध्य प्रदेश। और ये सबसे नीचे के स्टेट्स हैं, यानी कि झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा मेघालय। अगर हम इस इंडेक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसमें पूरे राज्य यानी कि 28 राज्यों को शामिल किया गया है, और 40 शहरों और दिल्ली में पिछले 3 वर्षों से गवर्नेंस इंडेक्स को लेकर यह रैंकिंग रिलीज किया जा रहा है। और प्रज्ञा फाउंडेशन को जो है इस्टैब्लिश किया गया था 1997 में, यानी कि यह फाउंडेशन जो है 1997 से वर्क कर रहा है। हालांकि प्रज्ञा फाउंडेशन इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए नहीं है, लेकिन प्रज्ञा फाउंडेशन की तरफ से जो रैंकिंग रिलीज किया गया और छत्तीसगढ़ को खासकर जो थर्ड रैंकिंग मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में खुलेंगे 100 और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। आप लोगों को पता है कि प्रदेश में वर्तमान समय में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। हालांकि जो प्रस्तावित है वो 54 इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, लेकिन 52 अभी वर्तमान समय में संचालित हैं, यानी कि ओपन हो चुके हैं। और 100 और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना और नए स्कूल खोले जाने को अनाउंस किया गया है, और वर्तमान समय में कितने स्कूलों का निर्माण जारी है। तो टोटल 54 का निर्माण जारी है, टोटल 54 पर निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 52 कंप्लीट हो चुके हैं और शुरू भी हो चुके हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने के पीछे का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को, यानी कि छात्रों को बेहतर सुविधा मिल सके शिक्षा का। इसी के उद्देश्य स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर सारे स्कूलों का नामकरण भी किया गया है, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होंगे उन सभी का। तो याद रखिएगा, प्रदेश में जितने भी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं या फिर खुलने वाले हैं, उन सब का जो नाम है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है। 100 नए स्कूल खोले जाने हैं, घोषणा किया गया है। वर्तमान समय में 54 स्कूल खोले गए हैं, जिसमें से 52 कंप्लीट हो गए हैं और 2 पे और काम चल रहा है। क्लियर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट खाद जो बनाया जाता है गोबर से या फिर अदर वेस्ट से, उस पर जो प्राइस दिया जा रहा था 8 रुपये पर किलो के हिसाब से दिया जा रहा था, जिसकी रकम बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट खाद की कीमत 8 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने का फैसला प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 रुपये से 10 रुपये बढ़ा दिया गया है, यानी कि प्रदेश सरकार का फैसला जो है वो 2 रुपये इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि वर्मी कंपोस्ट खाद से आप रिलेट कर सकते हो गोधन न्याय योजना को। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो यही है कि 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपया किया गया है। सेकंड, प्रदेश में अभी वर्तमान समय में 6,440 गौठानों का निर्माण किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि वर्तमान समय में प्रदेश में गौठानों की संख्या कितनी है, तो 6,430। क्लियर है। अब यहाँ पर गौठानों का निर्माण कौन सी योजना के तहत किया जा रहा है, तो गौठानों का निर्माण जो है सुराजी गांव योजना के तहत किया जा रहा है। और सुराजी गांव योजना के अंतर्गत जो 4 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, और उसी गरवा के तहत में आपका गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर। और इस 6,430 गौठानों में से 4,787 गौठानों से जो है वो प्रदेश में गोबर की खरीदी की जा रही है। और अब तक प्रदेश में 8,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद का जो है उत्पादन हो चुका है, और 1,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खादों की जो बिक्री है महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा चुका है। और वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो बनाने की जिम्मेदारी जो है प्रदेश के महिला स्व सहायता समूहों को दिया गया है, ताकि इन्हें सशक्त बनाया जा सके। चलिए इसके अलावा आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है गोधन न्याय योजना के बारे में, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके लिखिएगा, हाईलाइट करके रखिएगा इस स्कीम को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही बन जाता है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत जो है वो कब से की गई है। तो गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत है वर्ष 2020 के हरेली तिहार, यानी कि हरेली त्यौहार से किया गया है। और इस वर्ष
हरेली त्यौहार कब मनाया गया? तो इस वर्ष जो है आपका हरेली त्यौहार 20 जुलाई को मनाया गया, यानी कि गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत है वो 20 जुलाई से किया गया है। इसके तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम जो है वो गोबर की खरीदी प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है और अब तक 1.36 लाख गोबर विक्रेताओं को उनसे खरीदे गए गोबर का जो मूल्य है वो लगभग 59.08 करोड़ रुपए है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर गोधन न्याय योजना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन सबको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए इसके बाद जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्चुअल मैराथन 2020। वनडे एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया। तो डेट याद रखिएगा कि कब इसका आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन जो है 13 दिसंबर को किया गया। क्यों इसका आयोजन किया गया? तो छत्तीसगढ़ में जो नई सरकार है इसके 2 साल पूरा होने के अवसर पर 13 दिसंबर को जो है पूरे प्रदेश भर में वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया गया। और इस वर्चुअल मैराथन का अगर आपसे थीम पूछा जाता है तो थीम याद रखिएगा, बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के, ये इस वर्चुअल मैराथन का थीम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप अंडरलाइन करके रखिएगा, आपके वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है जो आपका आगामी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने पिछले साल भी पढ़ा था, इस साल भी पढ़ लीजिए, हो सकता है यहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। ये प्रश्न है नवा रायपुर में बनेगी अत्याधुनिक क्या फिल्म सिटी। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक फिल्म सिटी कहां निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, तो आंसर होगा आपका नवा रायपुर। क्लियर है? 300 एकड़ में इस फिल्म सिटी का जो है निर्माण किया जा रहा है और छॉलीवुड को यहां पर प्रमोट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म का निर्माण किया जाता है और छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को भी अट्रैक्ट किया जा सके और जो छॉलीवुड है जिसमें छत्तीसगढ़ फिल्म का निर्माण किया जाता है जिसके अंतर्गत उसका भी विकास हो सके, उसे भी बढ़ावा दिया जा सके, इन्हीं सब उद्देश्य के साथ जो है आपका नया रायपुर में इस फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर? 300 एकड़ में किया जा रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम। तो प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका अंबिकापुर में स्थापित किया जा रहा है प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम। अब गोधन एम्पोरियम से रिलेटेड यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। तो गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में खरीदे गए गोबर से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा जो भी निर्मित किए गए विभिन्न उत्पाद हैं, चाहे कंपोस्ट खाद हो गया या उससे रिलेटेड गोबर से रिलेटेड कोई और उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन सब का बिक्री जो है गोधन एम्पोरियम में किया जाएगा। इसके अलावा महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लकड़ी के कुछ उत्पाद बनाए जा रहे हैं, अगर ईंट बनाए जा रहे हैं, दिए बनाए जा रहे हैं, धूप बत्ती बनाए जा रहे हैं, अगरबत्ती बनाए जा रहे हैं, कहने का मतलब है कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किसी भी प्रकार से अगर उत्पाद बनाए जाते हैं तो गोधन एम्पोरियम में उसे बेचा जा सकता है, वहां पर स्टॉल लगाया जा सकता है। क्लियर है? इन सारी बातों का उद्देश्य क्या निकलता है? तो इन सारी बातों का उद्देश्य एक ही निकलता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, वह उन्हें स्वावलंबन बनाने के लिए ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, महिला स्व सहायता समूहों द्वारा चाहे गोधन न्याय योजना के तहत कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा हो या उनके द्वारा कोई भी और उत्पाद बनाया जा रहा हो, उसे गोधन एम्पोरियम में बेचा जा सकता है, स्टॉल लगाया जा सकता है। और प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम का निर्माण कौन से शहर में किया गया है? तो आपका अंबिकापुर में किया गया है। और अगर हम अंबिकापुर की बात कर रहे हैं तो अंबिकापुर से रिलेटेड वर्ष 2020 का अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बताऊं तो आपको ध्यान रखना है कि 5-स्टार फ्री गार्बेज शहर की सूची में अंबिकापुर को जो है वो 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। पूरे देश भर में अगर बात करें तो 5 शहरों को पूरे देश भर से 5-स्टार जो गार्बेज फ्री सिटी का रेटिंग है वो एक अंबिकापुर को मिला है, इसके अलावा 4 और शहरों को मिला है पूरे देश भर से, तो इसलिए अंबिकापुर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शहरी मंत्रालय द्वारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है उस स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले की सूची में अंबिकापुर पूरे देश भर में प्रथम है और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले की सूची में जो आपका अंबिकापुर है वो 4th नंबर पे है। तो अंबिकापुर से रिलेटेड जो ये वर्ष 2020 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं और खासकर स्वच्छता से रिलेटेड जो करेंट अफेयर्स हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर? चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सूरजपुर जिले के का एक एरिया है
जिसका नाम है भैया थान, और इसके अलावा बिहानपुर। तो भैया थान को अनुभाग बनाए जाने की घोषणा की गई है, और इसके अलावा जो आपका बिहारपुर है इसे तहसील बनाए जाने की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को तहसील या फिर इस क्षेत्र को अनुभाग बनाए जाने की घोषणा की है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान समय में तहसीलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में अगर मैं तहसीलों की संख्या की बात करूं तो वो है आपका 177। पहले भी हम एनालिसिस कर चुके हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है और वर्ष 2019 में भी 4 नए तहसीलों का गठन किया गया था। तो वर्ष 2019 से पहले प्रदेश में तहसीलों की संख्या थी 150 और 2019 में 4 तहसील गठित किए गए तो हो गया 154, और अभी वर्तमान समय में 23 नए तहसील गठित किए गए हैं तो हो गया आपका 177। क्लियर है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, यहां पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिया हुआ है यानी कि प्रशासनिक संरचना, गवर्नमेंट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये 2019 का डेटा है जिसमें जिले की संख्या जो है वो 27 दिया हुआ है। यहाँ पर एक ऐड कर लीजिए, कौन सा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और जिलों की संख्या कितनी हो गई है प्रदेश में आपका 28। अनुविभाग यानी कि जिस अनुभाग को यहाँ पर भैया थान में बनाया जा रहा है उसकी वर्तमान संख्या कितनी है, ये है आपका 96, ये याद रखिएगा। तहसीलों की संख्या मैंने आपको बता दिया 177 है। उप तहसील प्रदेश में कितने हैं तो ये भी याद रखिएगा कि आपका 68 है। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक मंडल, इसके अलावा कुल विकसित विकास खंड की संख्या पूछी जाती है तो विकास खंड का संख्या याद रखिएगा 146, और इसके अलावा विकसित आदिवासी विकास खंड की संख्या कितना है यानी कि ट्राइबल से रिलेटेड जो विकास खंड है उनकी संख्या है 85। जिला पंचायत कितने हैं, ये है आपके 28। इस तरह से आप सारे चीजों को याद रख सकते हो। और नगर निगम प्रदेश में कितने हैं वर्तमान समय में, तो इस साल एक नए नगर निगम की स्थापना की गई है जिसका नाम है रिसाली। तो प्रदेश में आपका जो टोटल नगर निगम है वर्तमान समय में वो है 14। भिलाई से अलग करके रिसाली को जो है नया नगर निगम बनाया गया है। क्लियर है। हालांकि आप देखोगे इस टॉपिक को तो वर्ष 2019 में 15 अगस्त को 25 नए तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन बनाया गया है 23 और एक फिर से घोषणा किया गया है किसको, बिहारपुर को। क्लियर है। इस टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, हो सकता है यहाँ से आपसे प्रश्न बन जाए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स है, इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं कार्यक्रम। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, इस कार्यक्रम का नाम है इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं। और इस कार्यक्रम को शुरू किए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों में उनकी जो विषय है उनमें बुनियादी दक्षता उत्पन्न हो सके, विकसित हो सके, इसी के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं नामक एक कार्यक्रम का शुरुआत किया है। और खासकर स्टार्टिंग में जो है हिंदी और गणित पर फोकस किया जाएगा, यानी कि इन दो सब्जेक्ट से रिलेटेड उनमें बुनियादी दक्षता को उत्पन्न किया जा सके, एफिशिएंसी को उत्पन्न किया जा सके, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और लक्ष्य रखा गया है कि 100 दिनों के भीतर जो है इनमें इन दो विषयों की बुनियादी दक्षता उत्पन्न किया जा सके। क्लियर है। एक कैंपेन है, इंपॉर्टेंट कैंपेन है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट और आज का हमारा जो लास्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में एक विशाल रंगोली बनाई गई जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इस रंगोली की बात करूं तो रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा इस रंगोली का जो है निर्माण किया गया। और इस रंगोली की अगर हम बात करें तो 9100 वर्ग फुट में इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, और 130 फीट यह लंबी और 70 फीट जो है चौड़ी है। और इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नहीं, माफ कीजिएगा, इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है यानी कि दर्ज किया गया है, ठीक है। और इस रंगोली का निर्माण किसने किया, तो रायपुर का एक स्थानीय कलाकार है जिनका नाम है विनोद पांडा, इन्हीं के द्वारा इस रंगोली का निर्माण किया गया है। और इस रंगोली को तैयार करने में इन्हें तकरीबन 7 घंटे लगे और 11 रंगों का इन्होंने इस्तेमाल किया जो कि लगभग 1100 किलो रंगोली इसमें यूज हुआ है। तो याद रखिएगा इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्लियर है। तो ये था हमारा आज का यानी कि पिछले हफ्ते के छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट
लेक्चर्स होते हैं या फिर करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स होते हैं उन सब का पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और देखिए, वक्त बहुत कम है, पढ़ाई बहुत ईमानदारी से कीजिए, बहुत मेहनत से कीजिए, रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाए रखिएगा ताकि आपका रिवीजन करने में जो है वो ज़्यादा आसानी हो। और जब भी पढ़ते हो तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो। और करंट अफेयर से रिलेटेड एफटीआर में भी बाकी चीज़ें मैं रिवीजन करा दूंगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज जिन्होंने परचेज किया और जिन्हें कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स 25 घंटे का प्रोग्राम मिल रहा है, उसमें भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एक भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिस ना हो। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।